हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं विलोपन क्रिया। ध्यान से इसको समझें, विलोपन क्रिया क्या होती है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन की अभिक्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करेंगे तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु अलग होगा और अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु अलग होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक एल्कीन उत्पाद प्राप्त होगा। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं, यह समझें ध्यान से आप। एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। यह आपका एक हैलोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन है। ठीक है, हेलो एल्केन है, इसके पास जो है बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। इस बीटा कार्बन से यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा और अल्फा कार्बन से यह हैलोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो तो इसे बीटा विलोपन कहेंगे और अल्फा कार्बन से हैलोजन अलग होगा और कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध हो जाएगा जिससे आपको एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, और हैलोजन अलग होके इस बेस से जुड़ जाएगा और आपका बीएच कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हो, ठीक है, अगर केवल एक बीटा हाइड्रोजन उपलब्ध होगा तो केवल एक ही एल्कीन प्राप्त होगा, लेकिन यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होंगे तो इसके कारण जो है एक से अधिक प्रकार के एल्कीन प्राप्त होगा। अब यह है कि कौन सा एल्कीन मुख्य होगा, इसका निर्धारण जो है करने के लिए जेटसेफ नियम का उपयोग हम करते हैं। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो तो सामान्यतः एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रारूप को सर्वप्रथम रूसी रसायनज्ञ अलेक्जेंडर जेटसेफ, जिसे सेजेफ भी कहते हैं, ने प्रचित किया था। उन्होंने क्या नियम दिया था, इन्होंने 1875 में एक नियम प्रतिपादन किया जिसे निम्नलिखित प्रकार से संक्षेपित कर सकते हैं कि वी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्वि आबंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो अगर वी हाइड्रोजनन होगा तो उसके फलस्वरूप वह एल्कीन जो है मुख्य रूप में रहेगा जिसके द्वि आबंध कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी, तो वही मुख्य बनेगा जिसके द्वि आबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। जैसे ध्यान से देखें, यह आपका 2-ब्रोमोपेंटेन है। ठीक है, 2-ब्रोमोपेंटेन है, इसमें यह आपका ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है तो यह आपका अल्फा कार्बन हो गया और इसके बगल वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन है। ठीक है, उसी तरह से इधर भी आप देख रहे हैं, यह अल्फा कार्बन है और इसके बगल वाला कार्बन भी बीटा कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है और इसके पास भी बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक, अब 2-ब्रोमोपेंटेन का अगर जो है बी हाइड्रोजनन होगा तो इसके फलस्वरूप दो तरह के एल्कीन आपको प्राप्त होंगे, एक बनेगा पेंट वन इन और एक बनेगा पेंट टू इन। अब कौन सा मुख्य होगा,
तो इसके लिए जो है सटजफ ने अपना रूल दिया कि डबल बंद के पास, द्वि आबंध कार्बन परमाणु के पास एल्किल समूहों की संख्या जिसके पास अधिक होगी वही मुख्य उत्पाद होगा। तो पेंट टू इन में अगर आप देखें तो यह दो बंद है कार्बन का, इधर भी एल्किल समूह है और इधर भी एल्किल समूह है। तो यहाँ पर टू पेंट इन में दो बंद के पास एल्किल समूहों की संख्या अधिक है, इधर एक एल्किल समूह है, ठीक है, और इधर दो एल्किल समूह है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, यह 81% बनता है। जबकि पेंट वन इन के पास एक ही एल्किल समूह है, ठीक है, अतः यह केवल 19% बनता है। पेंट वन इन केवल 19% बनता है, जबकि पेंट टू इन जो है वह 81% बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप जो है कौन सा एल्किन मुख्य उत्पाद होगा, तो वह एल्किन जो है मुख्य उत्पाद होगा जो द्विबंध, जिसके दो बंद वाले कार्बन के पास अधिक एल्किल समूह होगा। तो पेंट टू इन में दो बंद वाले कार्बन के पास अधिक एल्किल समूह है, अतः यह मुख्य उत्पाद होगा, यह 81% बनेगा। जबकि पेंट वन इन के पास कम एल्किल समूह है, अतः यह केवल 19% बनेगा। इसका निर्धारण हम जेटसेफ नियम के द्वारा करेंगे। अब प्रश्न है अल्फा बीटा गामा कार्बन कौन होता है, तो इसके लिए देखें यहाँ पे दिया गया है किसी अणु में अल्फा तथा बीटा कार्बन का स्थान, कार्बन जिससे हाइड्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो यह अल्फा कार्बन होगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होगा और इससे जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन होगा, ठीक है। तो कार्बन जिससे हाइड्रोजन परमाणु सीधा जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इससे जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं तथा बीटा कार्बन से जुड़े अगले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा बीटा विलोपन, तो बीटा विलोपन में आपको बताया गया कि इसमें, ठीक है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। क्योंकि विलोपन जो है हाइड्रोजन बीटा कार्बन से हो रहा है हाइड्रोजन का, इसलिए इसका सामान्यतः इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। और इस विलोपन के कारण प्रमुख उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है, इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने विलोपन अभिक्रिया देखा कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु कैसा होना चाहिए, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, ऐसा अगर हेलो एल्केन है तो इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप क्रिया कराएंगे, एल्कोहलिक विलयन से क्रिया कराएंगे, जिससे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसी को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। मुख्य उत्पाद का निर्धारण हम सटजफ के नियम के आधार पर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका रिवाइज कीजिए। थैंक यू।